बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स का लेक्चर नंबर 2 है, और उस लेक्चर नंबर 2 में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं उस चीज़ का जो कि हमने लास्ट टाइम की थी, और वो है पॉइंट ग्रुप्स। हमने आपको ये बताया था कि 5 ग्रुप्स होंगे। सबसे पहले ग्रुप में हम उन मॉलिक्यूल्स को रखते हैं जो कि लीनियर होते हैं, और उसमें जो पॉइंट ग्रुप शामिल हैं वो हैं डी इनफाइनाइट एच एंड सी इनफाइनाइट वी। नंबर 2 ग्रुप, अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर नहीं होगा तो फिर हम नंबर 2 ग्रुप में आएंगे जो कि कहलाता है स्पेशल। और स्पेशल ग्रुप में हमने आपको बताया था कि 3 पॉइंट ग्रुप्स होते हैं, दैट इज आइकोसाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। अगर मॉलिक्यूल लीनियर भी नहीं है, स्पेशल भी नहीं है, तो फिर हम थर्ड ग्रुप में जाते हैं जिसे हम डी ग्रुप भी कहते हैं। और डी ग्रुप की क्या पहचान होती है कि उसमें सी एन के परपेंडिकुलर एन सी टू होते हैं, ये डी ग्रुप की पहचान होती है। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स शामिल हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं जो पॉइंट ग्रुप्स इसके अंदर इंक्लूड हैं वो हैं डी एन एच, डी एन डी एंड डी एन। फोर्थ वन इज सी ग्रुप, और यहाँ हम उस वक्त आते हैं जब ना तो मॉलिक्यूल लीनियर है, ना स्पेशल है, ना ही उसमें सी एन के परपेंडिकुलर एन सी टू है। जस्ट इसके अंदर हमने ये देखना है कि इसमें सी एन है। अगर सी एन है तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हैं सी एन एच, सी एन वी, एसएन एंड सी एन। और सबसे आखिर में जो ग्रुप है जिसे हम सबसे एसिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, जिसमें सिमेट्री बहुत कम पाई जाती है, ना तो उसमें डी ग्रुप होता है ना सी ग्रुप होता है। सी ग्रुप का मतलब ये कि उसमें कोई भी रोटेशनल एक्सिस नहीं है। जब कोई भी रोटेशनल एक्सिस नहीं होगा, यानी हम इसे कहेंगे नो रोटेशनल एक्सिस, तो उस वक्त जो पॉइंट ग्रुप इसमें इंक्लूड हैं वो हैं सी एस, सी आई एंड सी वाई। तो ये था जो कि हमने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया।